है, अभी तक हमने रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म ये सब चीजें पढ़ी है। अभी जो हमारा है 9.2 में वो है आपका कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर और डिवीजन भी है। ठीक है, तो है क्या बच्चे उसमें कि लाइक आपको रैशनल नंबर को प्लस भी करना है, उसे सबट्रैक्ट भी करना है, उसे मल्टीप्लाई भी करना है, उसे डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो बच्चे करेंगे क्या उसमें कि वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट लेंगे, पहले एडिशन का लेंगे देन सबट्रैक्ट का लेंगे, क्योंकि अगर हमने एडिशन का ले लिया सेम है सबट्रैक्शन होगा, फिर हम प्रोडक्ट का लेंगे, प्रोडक्ट के बाद जैसे ही हम डिवाइड का लेंगे सेम एज जैसे आपका प्रोडक्ट है सेम एज आपका डिवाइड होगा। ठीक है, तो कॉस्टली क्या करते हैं कि अभी भी हमें दो रैशनल नंबर को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम देखते हैं कि लाइक उसके अंदर जो डेनोमिनेटर्स हैं दोनों रैशनल नंबर के, दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं, तो कॉस्टली वी विल सी दैट आवर डेनोमिनेटर हैव सेम और नॉट, कि उनके डेनोमिनेटर जो है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर वो सेम है तो बहुत अच्छी बात है, हम फिर न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी अगर करना होता डजंट मैटर। बट अगर हमारे डेनोमिनेटर सेम नहीं है, फर्स्टली हम लोग एलसीएम लेंगे और डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम, आपको प्लस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है फाइव अपॉन फोर प्लस माइनस इलेवन अपॉन फोर। ठीक है, आपको इन्हें प्लस करना है। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो देखो दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी फोर है यहाँ भी फोर है, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। यहाँ हमें डेनोमिनेटर को सेम नहीं करना है, यहाँ और पहले से ही आपको इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा हम सॉल्व कर देंगे इसको, हम लिखेंगे इसको फाइव अपॉन फोर, अभी ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस होता है आपका इलेवन अपॉन फोर। तो जब हमारा डेनोमिनेटर सेम होता है तो उसको सिंगल टाइम लिख लीजिए और न्यूमरेटर ऊपर एज इट इज जैसे थी, फाइव माइनस इलेवन। अभी फाइव माइनस इलेवन करोगे तो ये हो गया सिक्स माइनस का, ठीक है, डिवाइड अपॉन में आपका फोर। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, टू थ्री जार सिक्स, टू टू जार फोर, तो आपका हो गया माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी अगर आपका देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में, इसका ही जो सेकेंड पार्ट है, इस सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है फाइव अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन फाइव। तो यहाँ आपने क्या किया था, आपका डेनोमिनेटर सेम थे, बट इस कंडीशन में क्या है डेनोमिनेटर सबसे सेम नहीं है, तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, वी विल टेक एलसीएम ऑफ बोथ डेनोमिनेटर्स। हम दोनों डेनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे और हमारा जो डेनोमिनेटर्स हैं दोनों वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल राइट एलसीएम ऑफ थ्री कॉमा फाइव, तो दीज आर 15। जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं हमें सबको आता है, तो यहाँ शो करने की नीड नहीं है कि एलसीएम ऑफ थ्री एंड फाइव इज 15। चलिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया वो 15 आ गया, लाइक अभी हमें करना क्या है कि हम 15 लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 4 लिखा था, अभी हमने एलसीएम लिख दिया 15, तो अब हम लेंगे यहाँ पे आपका क्या है 5 है, 5 लिख दिया। अब फर्स्ट न्यूमिनेटर हमारा 5 था, तो उसके अपॉन में आपका डेनोमिनेटर 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करो एलसीएम को, कितने टाइम हुआ 3 5 15, तो जितने टाइम हुआ मल्टीप्लाई में लिख दिया, देन आपका प्लस 3, फिर 5 3 15। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, 5 5 25 प्लस 3 3 9 अपॉन 15, 25 और 9 हुआ आपका 34 अपॉन 15। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आप फटाफट, अब आपका थर्ड पार्ट है, ये है माइनस 9 अपॉन 10 देन 22 अपॉन 15। सेम एज यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, वी हैव टू टेक एलसीएम, ओके, एंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, तो फर्स्टली वी विल राइट डाउन एलसीएम
ऑफ 10 एंड 15. तो आप अगर चेक करें 10 और 15 का एलसीएम आपका क्या होगा, हाउ मच कैन यू गेस द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 कितना होगा? एनीबॉडी एल्स? चलो अगर आपको नहीं आता है तो आप खुद से कैलकुलेशन करके उसको फाइंड कर लेते, क्योंकि हमें 4/5 में हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं. तो यहाँ आपका एलसीएम होगा 90. ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे डेनोमिनेटर में? 90. देन माइनस 9 आपका फर्स्ट है और इसको हम डिवाइड करें 10 9s are 90. ठीक है, फिर आपका है 22. 15 6s are 90. मल्टीप्लाई 9 9s are 81 प्लस 22 6s are 132. ये प्लस 9 अपॉन में, अभी माइनस प्लस माइनस, तो 1 -81 को आप 132 के साथ सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ये 1 और ये 5. 51 upon 90. यहाँ आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, 17 3s are 7 और 3 30. तो ये हो गया आपका 17 upon 30. So this is the solution. Okay? आपको क्या करना है, सेम है आपका और वो है -3 upon -11 plus 5 upon 9. तो फोर्थ पार्ट इज -3 upon -11 plus 5 upon 9. तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इन माइनस के साइन को ही हम खत्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस से. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 upon 11 plus 5 upon 9. नाउ सेम एज फर्स्टली वी हैव टू टेक एलसीएम. सो एट एलसीएम ऑफ 11 and 9, तो आपका एलसीएम होगा 99, 11 और 9 का. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 99. एट 3 3 upon 11 है, तो 11 9s are 99 प्लस फिर आपका 5 9 11s are 99. अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3s are 27 प्लस 11 5s are 55 upon 99. देन क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, प्लस करके आपका आएगा 7 5 12 carry 1 5 7 2 8 upon 90. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑफ सम ऑफ रैशनल नंबर. जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो भी बने आपको -8 upon 19 plus -2 upon 57. इट इज गिवन दैट फिफ्थ पार्ट. ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, एलसीएम भी लेंगे आप, ये 57 है बच्चे. ठीक है, एलसीएम ऑफ 19 and 57, तो इट विल बी 57. 19 और 57 का एलसीएम क्या होगा आपका? 57. ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे 57. ओके, देन फर्स्ट इज -8. अभी मल्टीप्लाई, अभी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. तो 19 3s are 57 प्लस, अभी ये आपका -2. 57 1s are 57. सेम मल्टीप्लाई 24 माइनस प्लस माइनस 2 1s are 2 upon 57. नाउ माइनस माइनस प्लस और यू कैन से सेम साइड विल बी एड, तो -26 upon 57. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6 2 upon 3 plus 0. So minus 2 upon 3 plus 0. But as you know that if we will add 0 in any number, then result will be the same number. Ki suppose that hum agar kisi number ko 0 se add karte, to hamara jo result hota hai, wahi number hota hai jisme hum add kar rahe hote hai. So that means kya hoga? Ki like agar main minus 2 upon 3 mein add karti hu 0 ko, to mera answer kya hoga? We will write them, the answer is direct 2 upon 3. कि सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल लूं 1 plus 0 क्या होगा, इट विल बी 1. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन. जो आपका लास्ट पार्ट है वो है -2 as a whole 1 upon 3 plus 4 as a whole 3 upon 5. यहाँ आपको मिड्स में कन्वर्ट करके दे दिया,
तो फर्स्टली क्या करेंगे, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है? तो 3 2 6 1 7 8 7 upon 3 5 4 20 और 3 23 upon 5 Now same as we have to take the LCM. LCM of 3 and 5. It's 15. Same as we will write down 15 as a denominator. Okay. So first is minus 7. Now 3 5s are 15. Then plus 23. 5 3s are 15. Now multiply. 7 5s are 35 minus 35. ठीक है? Plus 23 3s are 69. Upon 15. Now minus plus minus 69 minus 35. It's 34 upon 15. So this is the solution of this question. Okay? Just note down them. Now question number 2. Find the value. Find the value क्या आपको normally देखा जाए तो subtract करना है, ठीक है? Subtraction का question है. So first part is 7 upon 24 minus 17 upon 36. ठीक है, concept is same कि आपको firstly check करना है कि denominator same है या नहीं है, ठीक है? और denominator same नहीं है तो firstly we will take LCM and then we will find the difference of given numbers. Okay? तो अभी हमें क्या करना है? Firstly 24 और 36 का LCM लेंगे, तो LCM of 24 and 36. अगर हम LCM लेंगे तो LCM will come 72. 24 और 36 का जो आपका LCM होगा वो होगा 32. ठीक? तो just write down 36. यहाँ पे आपका 72 as a denominator. Same as 7. अब 24 से divide करेंगे इसको, 24 3s are. Then 7 36 2s are. 7 3s are 21 minus 7 2s are 14, 72. Now it's 7 minus okay upon 72. So this will be the answer of the question number 2 part 1. Okay? Just note down. Okay.